बार फिर आम लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है। वही बढ़ते लॉकडाउन ने गरीबों को खाने तक से मोहताज कर दिया। ऐसे लोगों की मदद के लिए एक बार फिर नर्मदे युवा सेना आगे आई और गरीबों को खाना खिलाने का बीड़ा उठाया। नर्मदे युवा सेना पिछले कई दिनों से गरीब बस्तियों में जाकर जरूरतमंद लोगों को भोजन के पैकेट वितरण कर रही है। कोरोना महामारी की विषम परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए नर्मदे युवा सेना गरीब और जरूरतमंद लोगों को लगातार भोजन के पैकेट वितरण कर रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि बढ़ती कोरोना महामारी और लगातार बढ़ती लॉकडाउन की वजह से कई लोग बेरोजगार हो गए हैं, गरीब लोग खाने तक से मोहताज हो गए हैं। ऐसी स्थिति में नर्मदे युवा सेना मदद के लिए आ गई और गरीबों को खाना खिलाने का बीड़ा उठाया। नर्मदे युवा सेना पिछले 9 दिनों से गरीब बस्तियों में जाकर भोजन के पैकेट वितरित कर रही है। आपको बता दें कि नर्मदे युवा सेना कार्यालय में भोजन बनता है और पैकेट के रूप में गरीब बस्तियों में जाकर बांटा जाता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवेश अग्रवाल के मार्गदर्शन में संगठन के प्रवक्ता सोनू सोना ने और उनकी टीम प्रतिदिन भोजन प्रदान करने की व्यवस्था कर रही है। यह अभियान जब तक कोरोना काल है तब तक सतत रूप से चलता रहेगा। इस अभियान में मुख्य रूप से महिला रक्षा मंच के जिला अध्यक्ष रोशनी ठाकुर, जिला प्रवक्ता डोली सोनी, प्रदेश के आईटी सेल के संयोजक अखिलेश सिंह तंवर, मीडिया प्रभारी गौतम शर्मा, जिले के अध्यक्ष पंकज जादव, सागरनाथ, मोनू सोनने, सुशील सोनू ने मौजूद थे।